मैडम थोड़ा सा पेश हो सर। चलो सर, वाह 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 सर, वाह। ग्रेड फोर में चार्ट्स बनाए जिसमें उनके टॉपिक एनवायरनमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज था। उसमें भी उन्होंने डिफरेंट थीम्स पे वर्क किया, जैसे ट्रीज आर वंडरफुल, हाउ कैन आई हेल्प माय एनवायरनमेंट, भैया थोड़ा पीछे हो जाए। सर इधर देखिएगा, सर थैंक यू। टैग भी लगाए बच्चों को, मतलब नाम भी पता लगने शुरू हो गए हैं। पर्सन बाइक में जल्दी Thank you.
उन बेबस मर्दों औरतों आजकल जो नेशनल करिकुलम रिफॉर्म के ऊपर जो काम कर रहे हैं और सिंगल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के जो एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जिहाद है उसको लीड कर रहे हैं इस वक्त शफकत महमूद साहब इंशाल्लाह ताला। ये तहरीक इंसाफ का बहुत पुराना वादा है क्योंकि हमारा एक नज़रिया जो है वो यही है कि पूरा कौम जो है उसका हर बच्चा बराबर है और सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए और जब तक यकसा तालीम ना मिले ये मुमकिन नहीं है कि यकसा मौके मिल सकें। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर भी हम तरक्की देखेंगे, तालीमी निज़ाम के अंदर वो फैलता जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम भी बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आई वुड लाइक शफकत महमूद साहब टू गिव फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज एक्सप्रेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, जनाब असद उमर साहब, उमैर जावेद साहब, ख़वातीनों हज़रात और तुलबा, सबसे पहले तो बहुत ही खुशी का दिन है आज कि एक नया ब्लॉक जो है वो इस कॉलेज में बन रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब असद उमर, फौजी अरशद और जो यहाँ पे टीम है उनकी काविश और मेहनत का नतीजा है और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्रेस हुई है और ये ब्लॉक बना है। और मुझे खुशी ये है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिल रहा है कि मैं जनाब असद उमर साहब के हलके में अपना भी थोड़ा सा किरदार जो है वो अदा कर सकूं। अल्लाह करे ऐसा वक्त आए कि ये भी मेरे हलके में कोई थोड़ा सा किरदार अदा करे। बहरहाल हमने बहुत ही वसी प्रोग्राम बनाए हैं इस्लामाबाद में। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत सारी असलाहत ला रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें भी कर रहे हैं। एक तो मैं आपको ये इस बिल्डिंग ब्लॉक के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने अब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि जितने भी इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं उनमें जो चीज़ें मिसिंग हैं या जो चीज़ नहीं है उसकी पूरा करने के लिए 80 करोड़ रुपए का हमने एक PC1 बनाया है जो कि अनकरीब और इंशाल्लाह ताला इसकी इसका पर अमल दरामद जो है वो इस साल के आखिर से शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए, आपको खुशी होगी सुन के कि बहुत एक शिकायत ये थी कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं अवेलेबल नहीं होते, हमने बड़े सालों के बाद 700 नए टीचर्स को पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए रिक्रूट करने का प्रोग्राम बनाया और ये रिक्विजिशन चली गई है पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके अलावा हमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किए थे जिसमें एक स्पेशल प्रोग्राम ये था कि जितने भी इस्लामाबाद में बच्चे स्कूल में नहीं हैं उनको स्कूलों में लाया जाए। उस सिलसिले में हमने पहले सर्वे किया, हमें 11,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे नज़र आए जो कि स्कूलों में नहीं थे, उन पर एक ख़ास किस्म की मुहिम चलाई गई और उस मुहिम के नतीजे में 7,500 बच्चे जो स्कूल कभी भी नहीं जा गए थे वो इस वक्त स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसके अलावा बहुत सारे असद साहब ने बताया कि हम करिकुलम पे निसाब पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही एक लिहाज से एक इनकलाबी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहले ये कभी नहीं हुआ कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो एक ही निसाब पढ़े। हमारे हम तकसीम हुए हैं 3 किस्म के निसाबों में, मदरसे के बच्चे कुछ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे कुछ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उन सब को अब इकट्ठा करके एक नया कौमी निसाब जो है
वो बन रहा है और इंशाल्लाह ताला वो अगले साल से लागू होना शुरू हो जाएगा। और ये हमारी जमात की जो एक दरीना जस्तजू थी, जो हमारे मंशूर में भी था कि हम पाकिस्तान में यकसां तालीमी निसाब लाने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ एक अहम पेशरफ्त और पेशकदमी होगी। तो इसके साथ साथ मैं स्कूल के असातिज़ा को, कॉलेज के असातिज़ा को मुबारक देना चाहता हूँ। जो बच्चे मैंने देखे, जो क्लासेस देखी और जिस तरीके से आपने तैयारी की है, जिस तरह बच्चे जो हैं वो उन्होंने हमें खुश आमदेद कहा है, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपको एक आला दर्जे के अदारे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहरबान। Rahim. To move further, may I now request Professor Naima Khattak, Principal, IMCGF 81, to present Mr. Shafqat Mehmood, Minister for Federal Education and Professional Training. So Shafqat Mehmood is going to do the honor. Sir is going to present College Crest to Sayed Umar Javed, Director General of the